हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द शीशा किंग में। मैं आपका दोस्त पंकज। सो आज हम एक ऐसे अमेजिंग प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। वैसे तो ये प्रोडक्ट बहुत ही जाना पहचाना है, आप में से बहुत सारे लोग इसको यूज़ कर चुके हैं, बहुत सारे लोग यूज़ करके के लिए पुराना हो गया है, लेकिन अब भी बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानते। और आज का प्रोडक्ट हमारा होने वाला है कोल बर्नर। आज हम दो कोल बर्नर लेके चलेंगे, दोनों का कंपैरिजन करेंगे, दोनों के फायदे और कुछ ड्रॉबैक है उनके, वो दोनों पे आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली है, सो ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपसे 100 साल पहले मैंने आप सबको एक प्रॉमिस किया था और मैंने अपने यूट्यूब पे प्लेलिस्ट भी बनाई है हुक्का एसेसरी की, और मैंने आपको कमिटमेंट किया था कि अब हम अनबॉक्सिंग की वीडियो बनाएंगे एसेसरी की, लेकिन टाइम की कमी होने की वजह से हम वीडियो नहीं बना पाए। लास्ट मैंने जो वीडियो बनाई थी एसेसरी की, वो रेड स्कल के हमने HMD की अनबॉक्सिंग बनाई थी। वहाँ से मुझे ऐसा लगा कि अब 8-10 वीडियो या 8-10 एसेसरी हमें अनबॉक्सिंग करनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले इसके बारे में, क्योंकि मैं पूरे दिन ऐसे ऐसे कस्टमर से डील करता हूँ जिनको फ्लेवर भी अच्छे कौन से हैं वो भी नहीं पता, और कुछ लोग आज भी इंटरनेशनल फ्लेवर पी रहे हैं। तो हर तरीके की ऑडियंस होती है, कुछ जागरूक होती है, कुछ नहीं होती है। तो ये हीटर है, 500 वाट का हीटर है, अल्फ आंटी की तरफ से है, और ये 1000 वाट का हीटर है। ये किसी कंपनी का मैं स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिलहाल आज के टाइम में ये मेड इन चाइना होते हैं, और जब हम चाइना से बहुत सारा बल्क में माल मंगाते हैं तो वो किसी भी कंपनी से आप अपनी भी ब्रांडिंग कर सकते हैं। तो इसमें मैटर नहीं करता कि अल्फांडी का है या किसका है, इसमें इंडियन कंपनी भी हैं जो हीटर बना रही हैं, इस तरीके के कोल बर्नर बना रही है। उनमें थोड़ा सा रेट का डिफरेंस हो जाता है, थोड़ा सा इंडियन प्रोडक्ट जो है महंगे हो जाते हैं। ऐसा नहीं कहूँगा कि ख़राब है, इंडियन प्रोडक्ट इससे भी अच्छे होते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा रेट हाई हो जाते हैं और वो मल्टीपर्पज़ हो जाते हैं। इंडिया में जो इस तरीके के कोल बर्नर बन रहे हैं वो कभी भी स्पेशली कोल बर्नर के दिमाग में रख के नहीं बनाए जाते हैं, इसके और भी बहुत सारे यूसेज होते हैं, तो वो आगे चल के आपको पता चलेंगे। तो अब आने वाली 5-7 वीडियो 8 वीडियो आपको हुक्का एसेसरी पे मिलेगी। अब जैसे हम ये दो प्रोडक्ट एक साथ एक वीडियो में हम लेके चल रहे हैं, तो ऐसे ही हम कुछ कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम एसेसरी कवर करें। तो चलिए सबसे पहले बॉक्स को ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ ये कोल बर्नर या कोल हीटर किस तरीके से। एक ये हमें बबल रैप मिलता है इसकी प्रोटेक्शन के लिए, हालांकि इस बबल रैप से कोई प्रोटेक्शन नहीं होती है, हम बहुत सारे हुक्के तोड़वा चुके हैं तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और उसके बाद इसका लव लेटर मिलता है, मैनुअल गाइड मिलती है किस तरीके से आपको यूज़ करना है, ये मल्टीपर्पज़ होता है, और नीचे लिखा है हाउस होल्ड यूज़ ओनली। और उसके बाद इसमें लिखा हुआ है डिसकनेक्ट द होट प्लेट फ्रॉम द पावर आउटलेट, जो भी है लव लेटर लिखा हुआ है इसका। उसके बाद ये इस तरीके से दिखने वाला है, ये आप देख सकते हैं, और बहुत प्यारा इसका कलर है, और ऑन ऑफ का बटन है, और इसमें ऑटो कट है। जब भी इस हीटर को ऐसा लगता है कि ओवर हीट हो गई है तो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है, और यहाँ से आप हीट कंट्रोल कर सकते हैं, वॉल्यूम 5, 4, 3, 2, 1, जैसा आपको ठीक लगे। अगर आपको लगता है कि आपको आपकी चिलम बनाने में टाइम लग रहा है, लगेगा हुक्का रेडी करने में टाइम लगता है और कोल जल्दी रेडी हो जाती है, तो सिचुएशन में आप 1 या 2 पे चला सकते हैं। और आपको ऐसा लगता है कि मेरा सब कुछ रेडी है, जल्दी से कोल रेडी हो तो हम इसको जल्दी से यूज़ करें। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको, और इसके साथ ये आपको 4 जो हैं इसके साथ, इसके पांव समझ लीजिए या इसकी टांगे समझ लीजिए या जो मर्जी समझ लीजिए, ये बेसिकली एक तो स्टेबल रखती हैं हीटर को, ये आप इस तरीके से देख सकते हैं 4 पीस हैं। और इसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अगर हम इसको डायरेक्ट ज़मीन पर रख देंगे तो ये कहीं ना कहीं अर्थिंग लेगा और करंट लगने का डर रहता है, तो ये कहीं ना कहीं आपको करंट से भी बचाएगा।
तो ये चार आपको इस तरीके से इसके पांव लगा देने हैं जिससे स्टेबल रहे इस तरीके से। चलिए अब इसको साइड रखते हैं और उसके बाद 1000 वोल्ट दिखाता हूँ, फिर आपको इसका फायदे और नुकसान बताता हूँ। आज मैं हुक्का लेके नहीं बैठा हूँ क्योंकि जो मेरा हुक्का है एमी डिलक्स, जो छोटा सा हुक्का आप वीडियो में देखते हैं, वो हुक्का यार कोई यार दोस्त मांग के ले गया और हुक्का है नहीं, और वैसे भी अनबॉक्सिंग है तो हुक्के की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर जगह हुक्के लेके ही हम चले, है ना। तो इसमें भी लव लेटर मिल रहा है, सेम वही चीज़ें लिखी हुई हैं, और एक बबल रैप मिल रहा है। बबल रैप से हटा देते हैं और उसके बाद इस तरीके से दिखने वाला है ये, और आप इसको पीछे से भी देख सकते हैं, पीछे से इसमें लाइनें बनी हुई हैं ताकि हीट जो है वो इस बॉडी के अंदर ही ना रहे, ठंडा भी जल्दी से होता रहे। यहाँ पे एक इंडिकेटर लगा हुआ है कि आपका ऑन हो गया है, ऑफ हो गया है, और सेम यहाँ पे ऑन ऑफ का और ऑटो कट है ये, और सेम इसमें भी एक लाइट लगी हुई है, ये देखिए लाइट, इससे पता चल जाता है कि इसको करंट मिल गया, ऑन हो गया है, रेड कलर से बंद हो जाता है तो लाइट ऑफ हो गई। और इसके साथ भी चार टांगे मिल रही हैं, वो आपको अर्थिंग से करंट से बचाएंगे, और ये हीटर स्टेबल रहेगा और ज़मीन से थोड़ा सा उठा हुआ रहेगा ताकि आपको करंट कम लगे। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों में फ़र्क क्या है। देखिए अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो इसमें दो एलिमेंट हैं, आप ये देखेंगे ये नीचे से एलिमेंट निकल रहा है और ये जलेबी की फॉर्म में राउंड राउंड इसमें दो एलिमेंट है, एक और ये दो एलिमेंट है, इस वजह से ये 500 वोल्ट है, और इसमें तीन एलिमेंट है, इसमें ये 1000 वोल्ट है, और अगर 1000 वोल्ट का मतलब होता है 1 किलो वाट, और अगर वाट की बात की जाए तो 220 वोल्ट है और 1000 वोल्ट है यानी कि 1 किलो। और बात की जाए रेवोल्यूशन की तो मैं सर इन चीज़ों को, इन इक्विपमेंट को काफ़ी सालों से यूज़ करता हुआ आ रहा हूँ। मैंने जब स्टार्टिंग की थी तब थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए, जब दिल्ली के अंदर या आपके एरिया, आपके गांव के अंदर लाइटें कच्ची होती थी, बिजली बिल के इतनी टेंशन नहीं होती थी, तब उस टाइम हीटर पर खाना बना करता था, और कुछ टाइम पहले कैफ़े लॉन्च के अंदर भी स्मोकर कोल यूज़ होती थी और उस कोल को उस हीटर में जला लिया जाया करता था। उसके साथ एक प्रॉब्लम थी, उसका एलिमेंट बहुत जल्दी जल जाता था, कभी भी मन किया वो टूट जाता था और नया एलिमेंट लगाना पड़ता था, और उसकी बॉडी के अंदर हम एडजस्ट कर सकते थे 500 वाट, 1000 वाट, 1500 वाट, 2000 वाट तक के एलिमेंट लगा सकते थे, लेकिन वो कब तक चलेगा उसकी गारंटी कोई नहीं लेता था, चाहे आप ब्रांडेड लीजिए, लोकल लीजिए। उसके बाद धीरे धीरे टाइम बीता, फिर एक हीटर आया जिसकी बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग होती थी, शायद जितना इस हीटर के अंदर वेट है उससे ज़्यादा इसकी बॉडी में वेट होता था, बहुत हैवी होता था, लेकिन उसके यहाँ पर रेगुलेटर लगा होता था, जैसे हमारे गैस में रेगुलेटर लगा होता है ना, उसको हम 1, 2, 3 और थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता था, बहुत हार्ड होता था वो, उस तरीके से आता था। उसमें भी 500 वाट का ऑप्शन आता था, 1000 वाट का ऑप्शन आता था। अभी फ़िलहाल ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो पिछले 2-4 सालों से चल रही है, इसके अंदर एक तो ऑटो कट आ गया है और बहुत इजीली आप इसको आराम से रोटेट कर सकते हैं, जान लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं क्या ये आपके लिए यूज़फुल है। तो अगर आप सिंगल पर्सन है या एक दो लोग हैं, हफ्ते में दिन में एक बार हुक्का पीते हैं, दो बार हुक्का पीते हैं, इनफैक्ट 3 बार भी हुक्का पीते हैं, तो आपके लिए 500 वाट का हीटर इनफ है, आप 500 वाट का हीटर ले सकते हैं। और अगर आपका कमर्शियल यूज़ है या पूरे दिन या कैफ़े लॉन्ज में, या आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास टाइम कम है, मैं चाहता हूं कि मेरी कॉल बहुत जल्दी रेडी हो, तो आप 1000 वाट का हीटर ले सकते हैं, वरना 1000 वाट का हीटर आपके लिए नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 500 वाट में और 1000 वाट में 100-200 रुपये का फ़र्क है, तो यकीन मानिए ये 200 रुपये का डिफरेंस आपके बिजली के बिल में तकरीबन 500 रुपये का ला देगा डिफरेंस, तो ये आपको समझना पड़ेगा। और बात करते हैं हम इसको कोल जलाने के अलावा क्या यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम खाना पका सकते हैं, इसमें मैगी बना सकते हैं, जो मर्जी आप चाहें वो बना सकते हैं, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है। देखिए ये आप डायरेक्ट जब भी आप इस पर बर्तन रखेंगे तो इसमें कोई बीच में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके बर्तन में और इस एलिमेंट के अंदर गैप रखे, आप डायरेक्ट इस एलिमेंट के ऊपर बर्तन रखेंगे
और जब आप बर्तन को टच करेंगे तो बर्तन करंट मारेगा, क्योंकि आप डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे एलिमेंट से। तो हमेशा इसको मैं प्रॉपर खाने के लिए नहीं बोलूँगा, इंडक्शन चूल्हा जो होता है वो आपके लिए परफेक्ट है, लेकिन अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, अगर आपका ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा काम होता है, अगर आप ऐसे होटल में या आप ऐसे हॉस्टल में रुकते हैं जहाँ पे थोड़ा कुकिंग का नहीं होता है या गैस वगैरह नहीं होता है, तो यहाँ वहाँ पे आप ये यूज़ कर सकते हैं। ट्रैवलिंग में आप मैगी बना सकते हैं, खाना बना सकते हैं, गर्म पानी कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है, आप मुझे ऐसा लगता है इसमें हम चाय नहीं बना सकते। उसके पीछे का रीज़न है, जब भी हम चाय बनाते हैं उसमें एक उबाला आता है, और उस उबाला को कंट्रोल करने के लिए या तो आप उसमें छन्नी चलाते रहिए, या तो आप जब उसमें झाग निकलेगी तो आपको वो हैंडल से पकड़ के बर्तन उठाना पड़ेगा, जब वो शांत हो जाएगा फिर रखना पड़ेगा, फिर ऐसे। तो इसमें आप सारी चीज़ें कर सकते हैं, खाना भी पका सकते हैं, लेकिन आप आपको इसको रख के भूल जाना पड़ेगा। आप इसमें कुकर भी रख सकते हैं, लेकिन आपको नॉनस्टिक की बर्तन यूज़ नहीं करने, और इसमें आप ए टू जेड सारे काम कर सकते हैं। बस थोड़ा सा इसमें मेहनत है, अगर आप ये चीज़ें कर सकते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं, कोल भी यूज़ कर सकते हैं। और बात की जाए इसकी क्वालिटी की, तो देखिए सर, वक्त के साथ साथ इसके अंदर बहुत सारे बदलाव आए हैं। इसकी जो बॉडी क्वालिटी है उसको मैं एवरेज कहूँगा, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ये बहुत बहुत हैवी है, बहुत फाइन क्वालिटी है, लेकिन ये आपका काम चला सकता है, और जिस प्राइस में ये मिलता है मार्केट में उस रेंज में इसकी बहुत बढ़िया क्वालिटी है। तो ये था हमारा हीटर की अनबॉक्सिंग। और बात की जाए कोल कितने टाइम में जलता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आया होगा, बहुत सारे लोगों ने मिसगाइड भी किया होगा आपको कि सर हीटर ले जाओ, 1 से 2 मिनट के अंदर हीटर कोल आपकी जल जाएगी। तो जिसने भी आपको इस तरीके से बोला है या आपके दिमाग में ये बात है, तो यकीन मानिए आपको झूठ बोला गया है। ये एलिमेंट से हीट होता है, ना कि आप चलती हुई अंगीठी के अंदर कोयले डाल दिए, उसमें जल्दी जल जाएगा क्योंकि वो चारों तरफ से घिरा रहता है आग से। यहाँ पे आपका जो आग है वो सीधा एलिमेंट से गर्म होगा, तो नीचे से आग पकड़ेगी तो जाके ऊपर तक पहुंचेगी। तो अगर आपको इसमें कोल जलाना है जल्दी, तो आपको आधी जब कोल नीचे से जल जाए उसको रोटेट करके ऊपर वाला हिस्सा जो कच्चा है उसको उल्टा करके रख दीजिए, बहुत जल्दी जल जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए टाइमिंग की, तो 3 से 5 मिनट लगते हैं कोल को रेडी होने में, चाहे आप 1000 वाट लीजिए चाहे आप 500 वाट लीजिए। 500 वाट आपके लिए इनफ है, अगर आपका बहुत ज़्यादा यूसेज है। अगर मैं आपको इस 1000 वाट की बताऊं तो इसमें हम आधा आधा किलो कोल एक साथ जलाते हैं, और इतनी हैवी ड्यूटी होती है हमारी कि कई बार तो हीटर भी हाथ जोड़ देता है। लेकिन ये चाइनीज़ ज़रूर है, लेकिन इसमें कंप्लेंट बिल्कुल नहीं आती है। मैं अब तक हजारों हीटर सेल कर चुका हूँ, शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जिसका हीटर बहुत जल्दी ख़राब हो गया होगा, जिसने ये बोला हो कि भैया मैंने कल ही लिया था परसों फूक गया। और इसमें कोई गारंटी वारंटी नहीं आती है, और ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा हीटर सेल कर रहे हैं जिसका हमें फीडबैक पॉजिटिव मिलता है। बहुत सारे लोग पैसे अच्छे कमाने के चक्कर में सस्ता माल ले लेते हैं और कस्टमर की कंप्लेंट आती है। फिलहाल की डेट में अभी अल्फांडी का हीटर बहुत अच्छा चल रहा है, यही हम सेल कर रहे हैं। ये थी हमारी एक कोल बर्नर अनबॉक्सिंग वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारा काम काम का लगता है और हमारी वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा नहीं लगा कि आपका टाइम खराब हो गया, तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं जिससे हमें मोटिवेशन मिले, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा सकते हैं जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू सो मच, गुड बाय। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लें जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक